सीखना है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में मदद करना कोई अक्षरा सिंह से सीखे जी हाँ सब्र रखिए बताएंगे बताएंगे क्या किया है अक्षरा सिंह ने लेकिन पहले उनके बारे में कुछ कह ले जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के टावर माने जाते हैं और अगर थोड़ी भी हेल्प लोगों की कर देते हैं हमारे भोजपुरी या सुपर तो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर लोगों के कान फाड़ डालते हैं भाई हमने इतनी मदद की है वैसे गलत क्या किया है अपने लोगों की मदद करना कभी गलत होता है और ऊपर से चीख ना और चिल्लाना भाई इन सुपरस्टार के स्टार्डअप में दाग लगा जाता है लेकिन यह सब कुछ सीखना चाहिए तो अक्षरा सिंह से क्यों भाई तो चलिए बताते हैं अक्षरा सिंह जो है भले ही पिछले दिनों कोविड के चलते यानि कि कोविड नाइन्टीन के चलते जिस तरह बिहार में उन्होंने एक शादी और प्रोग्राम में जो परफॉर्मेंस दी उसके चलते वो थोड़ी से उनकी निगेटिव पब्लिसिटी हो गई थी जिससे हमारे चैनल ने भी चलाया था लेकिन हम आपको बता दें कि जब हमारे स्टार अच्छा करते हैं तो उन्हें भी नहीं छुपाना चाहिए तो हम आपको ये बता दें कि दिल्ली में साथ ही साथ मुंबई में और भी लोग जहाँ पर अक्षरा सिंह के पहचान के हैं और वो वहीं फंस गए हैं लॉकडाउन जिस तरह से हर जगह लगाया जा रहा है राज्यों में उसे देखते हुए अक्षरा सिंह जितने भी उनके कांटेक्ट के लोग हैं उन्हें बाय फ्लाइट या बाय रोड या बाय ट्रेन जिस तरह से अक्षरा सिंह को बन पड़ रहा है अक्षरा सिंह उस बंदे की उस तरह मदद कर रही हैं साथ ही साथ आपको बता दें कि एक यूट्यूबर ने भी इस बारे में जिक्र किया कि अक्षरा सिंह ने उनकी किस तरह मदद की ठीक उसी तरह अक्षरा सिंह बहुतों की मदद कर रही हैं और उसे बगैर बताए बगैर लोगों को पब्लिसिटी किए हुए कि अक्षरा सिंह कितना बड़ा काम कर रही हैं वो किसी को नहीं बताया उन्होंने और कितनों की वो मदद कर रही हैं सबसे बड़ी बात तो ये कि उस यूट्यूबर ने ये बताया कि अक्षरा सिंह का बकायदा उसे फ़ोन आया था कि भाई तुम्हारी तबीयत ख़राब है या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है वैसे हमारी नज़र अगर ऐसी स्टूडियो पे पड़ती है तो हम उसे पब्लिश करना अपना धर्म समझते हैं क्योंकि भाई हमारे स्टार जब कुछ गलत करते हैं तो हम उसे न्यूज़ बनाते हैं लेकिन जब हमारे स्टार कुछ अच्छा करें तो उसे भी उसी तरह से न्यूज़ बनानी चाहिए तो आप क्या सोचते हैं अक्षरा सिंह के इस कदम के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा साथ ही साथ भाई भोजपुरी शेरनी है उनके लिए एक क्लैप तो बनता ही है मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं अगर आपने ये गाना नहीं सुना है तो सुन लीजिए ये 200 मिलियन क्रॉस कर चुका है अक्षरा सिंह के लिए तो यहाँ उनकी पीठ थपथपानी चाहिए क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो गायिका हैं और उनका पहला गाना टू मिलियन क्रॉस हुआ है वैसे हम आपको बता दें कि ये न्यूज़ बनाने के लिए हमें अक्षरा सिंह ने नहीं कहा है ना ही हम उनकी पीआर टीम हैं और ना ही हमारा चैनल किसी स्टार का पेड प्रमोशन करता है लेकिन खबरें जब सही और दुरुस्त हो, तो उसे उस स्टार के फैन फॉलोइंग के बीच और उस स्टार के जो क्रिटिक्स हैं उनके बीच पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी होता है भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें